जब जब कोरिया के पॉप यूवर्स आपके मन में आते होंगे, आई एम श्योर BTS और ब्लैकपिंक ये दो नाम भी जरूर आते होंगे, क्योंकि BTS ब्लैकपिंक ने कोरिया के लिए जो किया है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो कोई नहीं भूल सकता। हालांकि बहुत सारे फैंस को आज तक यही लगता है कि दोनों बैंड्स के बीच कभी नहीं बनी, दोनों बैंड्स के बीच हमेशा कॉम्पिटिशन रहा है, इसीलिए हमें अक्सर फैन वॉर्स भी देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार हमने BTS मेंबर्स और ब्लैकपिंक मेंबर्स की डेटिंग की खबरें भी देखी, लेकिन अब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि BTS सुपरस्टार जॉन जंगकुक और जैनी के बीच एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसने सभी को हैरान कर रख दिया है। ये न्यूज़ पूरी तरह कल से इंटरनेट को ब्रेक कर रही है, जब से फैंस को पता चला है कि जिस BTS सुपरस्टार किम तेयोंग और जैनी की डेटिंग की खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं, असल में वो जैनी तो तेयोंग के साथ नहीं बल्कि जॉन जंगकुक के साथ डिनर पर निकल गई। जंगकुक के साथ उन्हें एक कोरिया के फेमस रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए स्पॉट किया गया था। ना सिर्फ जंगकुक बल्कि और जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड मिंग्यू भी मौजूद थे। हाँ आर्मी, इस सनसनी न्यूज ने सबको हिलाकर रख दिया है कि जैनी और जंगकुक एक साथ डिनर पर गए, क्या उन दोनों के बीच कुछ है, क्या वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिन्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें बता दूं ये सारी खबरें स्टार्ट हुई कल, जब एक BTS आर्मी या फिर कहूँ एक नेटिजन ने इस बात को कंफर्म किया है कि हाल ही में वो एक बारबेक्यू कोरियन रेस्टोरेंट में गई थी, जहाँ उसने जंगकुक का ऑटोग्राफ देखा, जैनी का ऑटोग्राफ देखा, मिंग्यू का ऑटोग्राफ देखा, जिसके बाद ये बहुत एक्साइटेड हो गए। इसने रेस्टोरेंट के ओनर और वहाँ के मैनेजर से पूछा कि क्या जंगकुक यहाँ आए थे, तो रेस्टोरेंट के ओनर ने बताया कि हाँ जंगकुक यहाँ कई बार आ चुके हैं। तो ये लड़की पूछती है कि जंगकुक यहाँ आखिरी बार कब आए थे, तो रेस्टोरेंट का मैनेजर बताता है कि जंगकुक आखिरी बार अपनी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट से पहले जैनी और मिंग्यू के साथ आए थे, जिसके बाद इसे भरोसा नहीं होता और ये स्टाफ से बार बार इस बात को कंफर्म करने के लिए पूछती है, तो स्टाफ बार बार यही बोलता है। तब जाकर इसे यकीन होता है कि जंगकुक और जैनी एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, वो एक दूसरे के साथ डिनर पर भी आए हैं, इसका मतलब है दोनों के बीच बातें भी होती होंगी। और इस लड़की ने रेस्टोरेंट के फोटोज भी इस स्टोरी के साथ शेयर किए, जिसमें जंगकुक का ऑटोग्राफ क्लियरली देखा जा सकता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो रेस्टोरेंट का स्टाफ या ओनर सामने आकर बता सकता है। लेकिन तब तक आप लोगों को जैनी और जंगकुक की ये न्यूज़ कैसी लगी, आपको क्या इस पर यकीन है, अपनी अपनी राय कमेंट्स में बताना।